हे गाइस, दिस इज़ कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे यूएई की, स्पेशली अरब वर्ल्ड की, जो कि अरब वर्ल्ड ने अभी हाल फिलहाल में अपना वर्ल्ड का फर्स्ट, जो अरब वर्ल्ड का फर्स्ट का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टर है उसने ऑपरेशन कर लिया। और स्पेशली ये काम यूएई ने किया है। सो ये न्यूज़ आर्टिकल का कटआउट है, इसमें लिखा हुआ है कि यूएई स्टार्ट ऑपरेशन एट अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको। सो न्यूज़ में ये काफ़ी चल रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम यूएई बोलते हैं, उसने अपना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर उसको ऑपरेशन कर लिया है, जो कि अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ऑन द गल्फ कोस्ट, जो कि कतर के गल्फ कोस्ट पर इस्टेब्लिश्ड है ये। देन द प्लांट वॉज एक्सपेक्टेड टू ओपन 2017 में। ये प्लांट 2017 में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओपन हो गया, लेकिन कुछ सेफ्टी इशू की वजह से ये डिले हो गया और इसकी ऑपरेशन डेट आगे बढ़ गई। सो ये अरब वर्ल्ड की एक इमेज है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अरब वर्ल्ड में किस कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सो अरब वर्ल्ड जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस अरब वर्ल्ड में कुछ नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज आती हैं, कुछ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज आती हैं और कुछ अरेबियन पेनिनसुला की कंट्रीज आई हैं। टोटल इसमें 22 कंट्रीज़ हैं, जो इन 22 कंट्रीज़ को मिला के ही अरब वर्ल्ड कहा जाता है। सो इस अरब वर्ल्ड में जो कि फॉर्म हुआ था 1945 में, इस 1945 के दौरान इसमें सिर्फ 6 मेंबर थे, जो इनको फाउंडिंग मेंबर भी इनको बोला जाएगा। जो ये फाउंडिंग मेंबर इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनन, सऊदी अरेबिया और सीरिया थी, लेकिन 2011 में सीरिया की पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया गया, बिकॉज 2011 में सीरिया के अंदर सीरिया सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। सो इस वजह से सीरिया की पार्टिसिपेशन अरब वर्ल्ड में सस्पेंड कर दी गई। सो आज के टाइम पे इस अरब वर्ल्ड में टोटल 22 नेशन या 22 कंट्रीज हैं। और ये इमेज, इस इमेज में बराक पावर प्लांट की लोकेशन पता चलेगी। ये कंट्री अरब है, सॉरी यूएई है, और यूएई के वेस्टर्न में गल्फ कोस्ट के पास ये इस लोकेशन पर बराक पावर प्लांट लोकेट है। सो इस लोकेशन पर ही बराक पावर प्लांट को लोकेट किया गया है, बनाया, डेवलप किया गया है। सो इस पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन के द्वारा इसमें चार रिएक्टर में अभी एक रिएक्टर ही वर्क कर रहा गया है। सो और ये रिएक्टर साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेसिस है। सो जो ऑयल रिच कंट्री है, जो कि यूएई जो एक ऑयल रिच कंट्री है, उसने बोला है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर से वो अपनी एनर्जी का 1/4 इस बराक से एक्सपेक्ट कर रही है, और जो बाकी की जो 3/4 एनर्जी है वो बाकी की एनर्जी इस अपनी एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी करेगी। सो जस्ट टू वीक पहले यूएई ने ही अपना पहला मार्स पर अपना पहला मिशन सेंड किया था, जिसका नाम होप था। सो ये भी इसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये मार्स पर जो मिशन भेजा गया था वो भी अरब वर्ल्ड का या जीसीसी काउंसिल का पहला मिशन था। सो ये दोनों चीज़ें यूएई ने ही करी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको कहा जाता है। सो यूएई आल्सो इन्वेस्टिंग हैवली इन सोलर पावर। यूएई सोलर पावर पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जो और सोलर पावर आपको पता ही हो कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो कि एक प्लेंटीफुल एनर्जी सोर्स है इन गल्फ में, बिकॉज गल्फ कंट्रीज में गर्मी या टेम्परेचर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराक अरब में बराक का मीन्स है ब्लेसिंग। सो बराक मीन्स ब्लेसिंग। सो इसको डेवलप किया गया एक जॉइंट वेंचर के द्वारा। सो इसमें एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जिसको ENEC बोला, जो कि एक यूएई की कंपनी है, देन दूसरी है कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, इन दोनों के जॉइंट वेंचर के द्वारा ही इस बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप किया गया है। देन फॉर नाउ ओनली 1/4 रिएक्टर आर वर्किंग, जो चार में से सिर्फ अभी एक रिएक्टर ही काम कर रहा है। कंट्री का एम है कि 2023 तक इस चारों रिएक्टर को ऑपरेशन कर लेगी। सो चारों ऑपरेशन कर लेगी 2023 तक। सो इस पावर रिएक्टर से अराउंड 5.6 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि कंट्रीज की जो नीड है उस नीड को पूरा इनफ फुलफिल करेगा।
एंड जो कंट्रीज़ की जो नीड है कि इलेक्ट्रिसिटी इन सेफ एंड रिलायबल एंड इवन फ्री वे होगी, उस पूरी की पूरी इस नीड को ये फुलफिल करेगा। देन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ट्विटर का हैंडल है, उस पर उन्होंने इस चीज़ को वो इसमें यूएई को बधाई देते हुए बोला है कि यूनिट वन ऑफ यूएई बराक न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ प्लांट अचीव्ड फर्स्ट क्रिटिकली। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यूएई को बधाई दिया। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पढ़ते हैं इसके बारे में। देन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज होता है उसको प्रमोट करती है, और एनी मिलिट्री पर्पज़, जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो एनी मिलिट्री पर्पज़ है उसको और इसका जो एनी मिलिट्री पर्पज़ जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन जिनको बोलते हैं, उसको प्रोहिबिट करती है। सो आईएई ये जो डेट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसको 1957 जुलाई 29 को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। लास्ट ईयर 2018-19 के आसपास यूएई की नेबरिंग कंट्री जिसका नाम कतर है, उसने बराक पावर प्लांट के खिलाफ एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट में लेटर लिखा और बोला कि इस ये थ्रेट टू रीजनल पीस एंड एनवायरनमेंट, जो ये एनवायरनमेंट के लिए और रीजनल पीस के लिए थ्रेट है, बिकॉज कतर इज ए बेटर रीजनल राइवल ऑफ यूएई एंड सऊदी अरेबिया। कतर की यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल बनती नहीं है, बिकॉज हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो सो इस मूव से अगर कोई खुश है तो कोई अनहैप्पी है। सो बिकॉज कतर के ओपेक इस चीज़ की स्टार्ट होती है कि कतर जब ओपेक का मेंबर था, लेकिन मेंबर होने के बाद उसने अपनी मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया, ओपेक को छोड़ दिया। ओपेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसको छोड़ने के बाद कतर और बाकी कंट्रीज़ में रिलेशन थोड़े ख़राब होने लगते हैं। सो इसके बाद कतर लास्ट ईयर 2019 में बराक पावर प्लांट के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी में लेटर लिखता है और कहता है कि ये एनवायरनमेंट और रीजनल पीस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो इस मूव से इस रीजन में न्यूक्लियर पावर स्टार्ट हो, और बोलता है कि इस रीजन में न्यूक्लियर पावर रेस स्टार्ट हो जाएगी, और कतर के रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे नहीं, लाइक यूएई हो गया, यूएई तो है ये, सऊदी अरेबिया हो गया, और बाकी अदर नेशन है उनके साथ भी ठीक नहीं है। और जब से कतर ने ओपेक को छोड़ा है, तब से इन कंट्रीज़ के रिलेशन में और यूनिटी में दरार आ गई है। सो इंटरनेशनल न्यूक्लियर कंसल्टिंग ग्रुप है, उसके जो हेड है डॉक्टर पॉल डॉर्फन, उन्होंने इस पर कमेंट करते हुए बोला कि द टेंस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन द गल्फ मेक्स न्यूक्लियर मोर कंट्रोवर्सी एंड इशू इन द रीजन दैन एल्सवेयर। सो इस मूव से थोड़ा वहाँ पर न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है थोड़ा और डिस्टर्ब हो जाएगा। सो एज ए न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी टू डेवलप एंड मेक न्यूक्लियर वेपन, सो इससे अगर एनर्जी भी क्रिएट होती है तो दूसरी साइड्स में न्यूक्लियर वेपन की रेस भी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा इंटरनेशनल न्यूक्लियर कंसल्टिंग ग्रुप के हेड जो डॉक्टर पॉल डॉर्फन है उनका मानना है। सो होप ऑल आर फाइन विद देम। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।